हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के मौके पर हजारों की तादाद में अकीदतमंदों का हुजूम छोटा ताजबाग बारगाह में उमड़ पड़ा, जहां मौजूद जायरीनों ने केक काटते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 27 जनवरी 1861 को हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सांसारिक जीवन में रुचि न लेते हुए अल्लाह के इबादत का रास्ता अपनाया और उनकी करिश्माई करामतों से उन्होंने कई अकीदतमंदों की बिखरी हुई जिंदगी संवारी, जिसके कारण आज भी दूर दूर से जायरीन आते हैं और बाबा की बारगाह में अपना सर झुकाते हैं। आज बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के मौके पर दूर दूर से जायरीन छोटा ताजबाग क्षेत्र में आते हैं। उसी तरह इस साल भी माहौल पूरा ताजमय दिखाई दिया। इस वक्त अकीदतमंदों ने संदल के माध्यम से बाबा को केक अर्पित किया तो वही बाबा के जयकारों से बारगाह झूम उठा। इस वक्त इस खुशनुमा जिंदगी के लिए जायरीनों ने बाबा जान को धन्यवाद दिया। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के मौके पर इस वक्त हम मौजूद है छोटा ताजबाग की बारगाह में। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, बाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए काफी बड़ी तादाद में जो है हकीकतमंद यहाँ पहुंचे हैं, जायरीन यहाँ पहुंचे हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, बड़ी लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है। हर महिला, पुरुष, छोटे बच्चे सभी जो है बाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए जायरीन यहाँ आ चुके हैं और बड़ी ही जो है खुशनुमा यहाँ वातावरण हो चुका है और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ जायरीन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, सिर पर टुकनियाँ रखकर चादर चढ़ाते हुए अपनी जो है मनोकामनाएं मांगते हुए बाबा से जो है अपनी दरख्वास्त रखने के लिए बाबा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो है यहाँ हकीकतमंद जायरीन पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? और कितने सालों से जो है बाबा की जो है आप इबादत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? बहुत सालों की, 10 सालों से। काफी जो है आपको फायदा हुआ होगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, प्रशासन भी जो है बड़ी सुचारू रूप से प्रशासन चलाया जा रहा है। इस वक्त पूरी जो है लाइन यहाँ आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं। कहाँ से हैं? नागपुर से ही है। और मतलब जो है बाबा के जन्मदिन के मौके पर आप शुभकामनाएं इन्हें देने आई है। कितने सालों से आप इबादत कर रही है और क्या कहना चाहेंगे बाबा के जन्मदिन के मौके पर? ये कहना, सबको सुखी रखे बाबा, सबको सद्बुद्धि दे। दर्शक, इस वक्त कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं सर? नागपुर से। नागपुर से, और बाबा को जन्मदिन के मौके पर आप शुभकामनाएं देने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा से? बाबा का आशीर्वाद रहे, बस यही कहना चाहेंगे। थैंक यू। बाबा के आशीर्वाद है और जो है बाबा के हकीकतमंद जायरीन यहाँ पहुँच चुके हैं बाबा के जन्मदिन के मौके पर। 1861 में जो है बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो है जन्म हुआ था कामटी के शहर में, और जिसके बाद की जो है उनमें जो जितनी जो रूहानी ताकतें हैं, जिनमें जो है इस वक्त जायरीन मौजूद है, इनके सर पर जो है टुकनी भी है। हम अकोले से है, लेकिन यहाँ पर हम 2015 से आए। 2015 से हम हर गुरुवार में यहाँ पे आते हैं। और क्या चमत्कार ऐसा घड़ा था आपके जीवन में जो है, जिसके बाद से आप बाबा को मानने लगे? ऐसा चमत्कार घड़ा है कि हम 2015 से जब से आए हैं, तब से हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। कभी हम इसमें कभी हम नाराज नहीं हुए, इसलिए हम हर गुरुवार में यहाँ पर आते हैं। दर्शकों, बाबा की करामतों का करिश्मा जो है यहाँ सिर्फ नागपुर में ही नहीं तो सात समुंदर पार से भी यहाँ जायरीन आते हैं। जिस वक्त उर्स का जो माहौल होता है, उर्स के माहौल में भी है जो काफ़ी जायरीन और हकीकतमंद यहाँ पहुँचते हैं, और जन्मदिन के मौके पर काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाबा ताजुद्दीन के जयकारे यहाँ लग रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, युवा भी यहाँ मौजूद है, युवा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का करिश्मा सात समुंदर पार पहुँच रहा है, जहाँ गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। हर स्तर के लोग, हर जाति और धर्म के लोग बाबा के दरबार से अपनी बिगड़ी किस्मत सुधारने आते हैं, और आज भी यह करिश्मा बरकरार है, आगे युगों युगों तक रहेगा। ऐसी प्रतिक्रिया श्री शैल राजेश्वर के इन्होंने दी है। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है श्री शैल राजेश्वर के, जिनसे हम इस जो है पूरे पावन भूमि का इतिहास जानेंगे। तो आज बाबा का जन्मदिन है, काफी बड़ी मात्रा में हकीकतमंद यहाँ मौजूद है, और क्या है इसका इतिहास जो कि सात समुंदर पार जो है इसकी करिश्मा पहुँच रही है? बाबा का करिश्मा तो हजार सात जन्म तक पार है। यहाँ पर में लोग आते, पूरे भाविक से आते, मन से श्रद्धा करते हैं।
और यहाँ हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है, यहाँ हर समाज के लोग आते हैं और अपने दर्शन कर लेते हैं। बाबा के जन्मदिन के मौके पे मैं सभी आने वाले भक्तों को बधाई देना चाहता हूँ कि वो बड़े मात्रा में यहाँ आ रहे हैं और अच्छे से दर्शन हो रहे, और पूरी सहायता के भी मदद ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा सहयोग दिया हमें। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जो है बाबा की जो है समाधि यहाँ मौजूद है, बाबा की मजार पर जो है चादर चढ़ाए जा रहे हैं, हकीकत मन बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ मौजूद है, सर पर दुपट्टा बांधकर जो है बाबा की जो है हकीकत मन यहाँ मौजूद है, बाबा की जो है बारगाह में जो है सर टिका रहे हैं। आज के इस पावन अवसर पर बड़ी मात्रा में फूलों की खपत दरगाह क्षेत्र में हुई है, जिसके चलते बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सभी के जीवन में बरकत बनाए रखे, ऐसी प्रतिक्रिया स्थानीय विक्रेताओं ने दी है। दर्शकों, बाबा के जन्मदिन के मौके पर जो है हकीकतमंद बड़ी मात्रा में फूल जो है बाबा को चढ़ाते हैं, और जो है बोला जाता है कि फूल काफी पसंद है बाबा को। इस वक्त हमारे साथ फूल विक्रेता मौजूद है यहाँ के। किस प्रकार का प्रतिसाद रहा है आज, और किस प्रकार के जो हकीकतमंद आए हैं जायरीन आए हैं? अच्छा हुआ है आज, थोड़ा क्राउड अच्छा था, लेकिन अभी शाम के वक्त और अच्छा होगा। और व्यावसायिक रूप से पूछा जाए तो कितने की फूलों की खपत आज हो चुकी है पूरी? आज वैसे भी 350 रुपये किलो गुलाब था मार्केट में, यानी गुलाब तो बहुत कम आया मार्केट में ठंडी की वजह से, तो 70 डेजी अच्छी खपत हुई। दर्शकों, बाबा की जो रहमत है फूल विक्रेताओं पर भी पहुंच चुकी है, आज अच्छा खासा जो व्यवसाय इनका हुआ है। भक्ति को व्यवसाय में नहीं तोला जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है आर्थिक रूप से भी बाबा ने रहमत इन पर जो है बरसाई है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ग्रीन चादर यहाँ लगे हुए, जो कि बाबा को काफ़ी पसंद है, और बाबा के जन्मदिन के मौके पर जिस प्रकार से किसी का जन्मदिन होता है, और जन्मदिन के मौके पर उसके खाने से लेकर उसके हर चीज़ों को जो है ध्यान रखा जाता है, और उसी प्रकार से जो है आज ध्यान रखा गया है। हरे यहाँ जो है हरी चादर भी हम है, हरी चादर लगी हुई है, फूल लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की जो है चादर, हर प्रकार की चादर यहाँ रखी हुई है, और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सेवा मात्र मुस्लिम समाज ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रकार के जो है भक्त जायरीन हकीकतमंद उनकी इबादत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और एक फूल विक्रेता मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का प्रतिसाद रहा है आज? आज का दिन बोले तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा नागपुर के जितने भी तमाम दर्शक है सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और यहाँ पर काफ़ी हद से ज़्यादा पब्लिक देखने मिली और ज़्यादा फूलों का ये हुआ है, तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया है, जो सरकार पे बहुत उनका नाम है, तो काफ़ी लोग यहाँ हिंदू की परंपरा, यहाँ जाति भेद कोई भेदभाव नहीं है, और काफ़ी सालों से इतिहास से ये चलते आ रहा है, और इस बार भी बेहतर से बेहतर अच्छे से अच्छा दूर दूर से लोग संदल लेके आ रहे हैं, और अच्छी अच्छी इबादत कर रहे हैं, और अच्छी अच्छी दुआ मांगे जा रहे हैं, और बहुत सी तालीम सीखने मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज़्यादा खुश नहीं बोल सकता हूँ। और रही बात चादर की, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तमाम, तो दर्शकों से यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है सभी लोगों से, शुक्रिया। दर्शकों, हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन के मौके पर बड़ी मात्रा में जो है जायरीन मौजूद है, हकीकतमंद यहाँ मौजूद है छोटा ताजबाग क्षेत्र में, छोटा ताजबाग बारगाह में, जो कि है केक काटकर बाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही है, और बड़ी मात्रा में जो है बाबा की करामतों की जो है करिश्मा सात समुंदर पार आज पहुँच रहा है, तो सभी को बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, साथ ही साथ बाबा की करिश्मा आपके जीवन में जो है खुशियाँ बटो रे खुशियां बिखेरे, यही इस वक्त शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर।